साई बाबा, ये नाम बोलने में जितना मीठा है उतना ही फलदायी है। साई बाबा के आज दुनिया में अनेकों भक्त हैं, जो ये मानते हैं कि साई बाबा को जब भी पुकारो वो दौड़े चले आते हैं। साई बाबा सर्वप्रथम शिरडी में 16 वर्ष की आयु में एक पेड़ के नीचे समाधि अवस्था में मिले, फिर अचानक वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ वर्षों पश्चात वो धूप गांव में रहने वाले चांद पाटिल को मिले। चांद पाटिल की घोड़ी कहीं खो गई थी, वो उसे ढूंढ रहा था। इसे ढूंढ रहे हो चांद पाटिल? आप मेरा नाम कैसे जानते हो बाबा? और पता नहीं मेरी घोड़ी कहाँ खो गई है, बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। पर वो तो सामने चुपचाप हरी हरी घास का सेवन कर रही है। बाबा, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी, मेरी घोड़ी मुझे मिल गई। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे बेटे की बारात शिरडी जा रही है, आप भी हमारे साथ शिरडी चलिए। और फिर साई बाबा चांद पाटिल के बेटे की बारात के साथ शिरडी आ गए। जब बारात मंदिर के आगे से गुजरी तो बाबा मंदिर के बाहर ही रुक गए। पुजारी मालसा पति जी ने बाबा को देखा और कहा, आओ साई आओ, तुमने तो मुझे नया नाम दे दिया मालसा पति। साई आप कहाँ चले गए थे, अब आप यही शिरडी में रहकर इस धरती को पावन कीजिए। हाँ, जैसी तुम सबकी इच्छा। तुम सब मुझे इतना प्यार करते हो, मैं भी अब तुम सबके साथ ही रहूंगा। साई, अपनी माँ की याद नहीं आई? तुम्हें देखने के लिए तो इस माँ की आंखें तरस गई थी, अब मुझे छोड़कर मत जाना साई। माँ, मैं वादा करता हूँ अब इस शिरडी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और फिर साई बाबा उस दिन से शिरडी की द्वारका माई मस्जिद में रहने लगे। साई बाबा जब से शिरडी में आए थे वो रोजाना शाम होते ही एक छोटा सा बर्तन लेकर किसी भी तेल बेचने वाले दुकानदार की दुकान पर चले जाते और रात को मस्जिद में चिराग जलाने के लिए थोड़ा सा तेल मांगकर लाया करते थे। शिरडी गांव का एक पंडित साई बाबा से चिढ़ता था और शिरडी वासियों से साई बाबा की निंदा करता था। साई बाबा की निंदा करने पर पंडित जी को बड़ा आत्मसंतोष प्राप्त होता था। कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जो पंडित की हाँ में हाँ मिलाते थे। दीपावली से एक दिन पहले तेल बेचने वाले दुकानदार शाम को आरती के समय मंदिर पहुँचे तो पंडित दुकानदारों से बोला, देखो भाइयों, कल दीपावली है और शास्त्रों में लिखा है कि दीपावली के दिन जिस घर में अंधेरा रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती, और जो भी लक्ष्मी का थोड़ा बहुत अंश उस घर में होता है वो भी चला जाता है। सुनो, ये साईं, ये जो शिरडी में भगवान बना फिरता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है, इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है। कल जब ये भिक्षा में तेल मांगने आए तो कोई भी उस साईं को तेल मत देना, वैसे तो उसके पास सिद्धि विद्धि कुछ है नहीं, और यदि होगी भी तो कल दीपावली के दिन मस्जिद में अंधेरा रहने के कारण लक्ष्मी उसका साथ छोड़कर चली जाएंगी। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी पंडित जी, हम लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। हम कल साईं बाबा को तेल नहीं देंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल दीपावली पर तेल बेचा ही ना जाए, पूरा गांव उसका भक्त बन गया है और ये शिरडी वासी उस साईं की जय जयकार करते नहीं थकते। गांव में शायद ही दो चार के घर इतना तेल हो कि कल दीपावली के दिए जला सके, बाकी हम सबके घर ही दिवाली के दियों से जगमगा रहे होंगे। फिर आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे जब तेल मांगने आएंगे और तेल नहीं मिलेगा। बड़ा साई साई का जाप करते फिरते हैं। यही ठीक रहेगा, सचमुच तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। अब देखता हूँ उस फकीर को शिरडी में कौन रहने देता है। चलो फिर ये तय हो गया कि कल कोई भी दुकानदार तेल नहीं बेचेगा, चाहे कोई कितनी ही कीमत क्यों ना दे। लाला, आज दीपावली का त्योहार है, आज थोड़ा सा तेल
ज्यादा दे देना। बाबा आज तो तेल की एक बूंद भी नहीं है, कहाँ से दूँ? सारा तेल कली भी गया। सोचा था कि सुबह को जाकर शहर से ले आऊँगा, त्योहार का दिन होने के कारण दुकान से उठने की फुर्सत ही नहीं मिली। आज तो अपने घर में भी जलाने के लिए तेल नहीं है। साई बाबा आगे बढ़ गए। तेल बेचने वाले सभी दुकानदारों ने यही जवाब दिया। साई बाबा खाली हाथ लौट आए, तभी एक कुम्हार जो उनका भक्त था उन्हें एक टोकरी दिए दे गया। साई बाबा की मस्जिद खाली हाथ लौटने पर उनके भक्तों को बड़ी निराशा हुई। उन्हें आशा थी कि अब की बार मस्जिद में बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली मनाएंगे। बाबा, गांव का प्रत्येक दुकानदार यही कहता है कि आज तो उसके पास अपने घर में जलाने के लिए भी तेल की एक बूंद नहीं है, तो इसमें इतना ज्यादा दुखी होने की क्या बात है? दुकानदार सत्य ही तो कह रहे हैं। सच में ही उनकी दुकान और घर में आज दीपावली की रात को एक दिया जलाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं है। दीपावली मनाना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। बाबा, अब हम दीपावली कैसे मनाएंगे? तेल के दीपक जलाए बिना यूं अंधेरा भी तो अच्छा नहीं बाबा। लक्ष्मी, तुम चाहती हो ना कि दीपावली पर तुम द्वारका माई में दीपमालाएं जलती देखो? तो द्वारका माई में दिवाली जरूर होगी। लक्ष्मी बिटिया, तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। बाबा ने वहीं रखे घड़े के पानी को दियों में भरा, फिर रुई की बत्तियां बनाकर उन दियों में डाल दी और बत्तियां जला दी। सारे दिए जगमग कर जल उठे। ये देखकर लक्ष्मी और भक्तों की हैरानी और खुशी का ठिकाना न रहा। इन दियों को मस्जिद की मुंडेरों, गुंबदों और मीनारों पर रख दो। आज दीपावली का त्योहार है, लेकिन गांव में किसी के घर में भी तेल नहीं है। जाओ, प्रत्येक घर में इस पानी को बांट आओ और कहना दिए में बत्ती डालकर जला दें। दिए सुबह सूरज निकलने तक जगमगाते रहेंगे। सभी भक्त साईं बाबा की जय बोलते हुए बाबा का गुणगान करने लगे। दीपावली की रात का अंधकार धीरे धीरे धरती पर उतरने लगा था। तब तेल बेचने वाले दुकानदारों और पंडित जी के घर को छोड़कर प्रत्येक घर में साईं बाबा के घड़े का पानी पहुंच गया था। पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा उठा। उन दियों की रोशनी अन्य दिन जलाए जाने वाले दियों से बहुत तेज थी। पूरे गांव भर में यदि कहीं अंधेरा छाया हुआ था तो वह पंडित जी और तेल बेचने वाले दुकानदारों के घर में। कल शाम तो इन पीपों में तेल था, ये खाली कैसे हो गए? अरे पंडित जी, जाकर बाजार से तेल लेकर आओ, एक भी बूंद तेल का नहीं है। दीपावली के दिन घर में अंधकार छाया हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो, मैं अभी लेकर आता हूँ। जी हांडी लेकर जब तेल बेचने वाले दुकानदारों के पास पहुँचे, वे सब अपने माथे पर हाथ रखे इसी चिंता में बैठे थे कि बिना तेल के वो दीपावली कैसे मनाएंगे। पंडित जी ने दुकान पर जाकर तेल मांगा। आओ पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? कल शाम को ही हम लोगों ने तेल खरीदा था, सुबह से एक बूंद तेल नहीं बचा, लेकिन अब देखा तो तेल की एक बूंद भी नहीं है। बर्तन इस तरह खाली पड़े हैं जैसे इनमें कभी तेल था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? अरे पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा है, केवल हम सबके घर में ही अंधेरा छाया हुआ है। पंडित जी, हम तुम्हारे बहकावे में आ गए और साईं बाबा को झूठ बोल दिया। हमने साईं बाबा को तेल देने से मना कर दिया, ये उसी भूल का परिणाम है। साईं बाबा की शक्ति देखो, आज द्वारका माई मस्जिद और बाबा के सच्चे भक्तों के घर, आज द्वारका माई मस्जिद और बाबा के सच्चे भक्तों के घर पानी के दिए भी जगमगा रहे हैं, और हम धूर्त लोगों के घर में अंधेरा है। चलो हम सब बाबा के पास चलकर उनसे माफी मांगते हैं। फिर सभी दुकानदार साईं बाबा के पास जाकर उनके चरणों में झुककर उनसे माफी मांगते हैं। बाबा, हम आपकी महिमा को नहीं समझ पाए, हमें क्षमा कर दो बाबा, हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने आपसे झूठ बोला था। गलती इंसान से ही होती है, आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, फिर कोई अपराध कैसा? मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। ये लो, ये घड़े का पानी लो और अपने घर में दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करो। आप धन्य हो साईं,
आपकी जय हो। बोलो साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक। और फिर साईं बाबा की दीपावली उत्सव की धूम पूरी शिरडी में होने लगी। कई वर्षों तक बाबा शिरडी में ही रहकर भक्तों को ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। साईं बाबा शिरडी की निवासिनी बैजाबाई को माँ कहकर संबोधित करते थे और उनके एकमात्र पुत्र तात्या को अपना छोटा भाई मानते थे। साईं बाबा ने बैजाबाई को वचन दिया था कि वो उनके जाने के बाद तात्या का ख्याल रखेंगे। साईं बाबा ने तात्या की मृत्यु को टालने के लिए उसे जीवन दान देने का निर्णय ले लिया और साईं की कृपा से तात्या बच गया और उसकी जगह अपने वचनों के अनुरूप 27 सितंबर 1918 विजयादशमी के दिन दोपहर 2:30 बजे तात्या के स्थान पर साईं बाबा शरीर रूपी चोले का त्याग कर महासमाधि में लीन हो गए।